तो गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू ए जु फॉर टेक गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस प्लास्टिक के में थोड़ा सा आपको ना बीम का डिजाइन जो था एलएसएम का थोड़ा और अच्छे से समझ में आएगा वो आ जाए सभी एक दो मिनट वेट करते हैं फिर स्टार्ट करेंगे गुड इवनिंग कहाँ रह गए आज सभी गुड इवनिंग गुड इवनिंग आज दिन बढ़िया रहा बारिश के मजे लिए <laughs> सर बीएमसी होगा ना इस बैच में लाइव अभी देखते हैं मैं बीएमसी के कुछ लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा आप देखकर बताना वो लेक्चर्स आप लोग देख लेना अगर आपको लगे कि ठीक है तो कोई बात नहीं नहीं तो लाइव ले लेंगे ठीक है कोशिश तो मेरी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट लाइव लेके करवा दू आपको लेक्चर वाला एग्जाम भी देना है बारह दिसंबर को और ए का एग्जाम भी नहीं पता कब होगा तो बेटर है कि ज़्यादा से ज़्यादा सब्जेक्ट यहाँ पर अपलोड हो जाए उन लेक्चर्स को देख कर आप एक बार थ्योरी कवर कर लो और फिर हम मैक्सिमम चीज़ें क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू करवा दें जैसे आपने आज क्यू आर पी देखा क्यू आर पी में हमने आज जैसे ब्रिक्स पढ़ा अब यार देखो थ्योरी पढ़ेंगे तब भी मैं यही बताऊंगा सिलिका इतने परसेंट होना चाहिए एलुमिना इतना परसेंट होना चाहिए एफ्लोरेसेंस इसकी वजह से होता है प्लास्टिसिटी इसकी वजह से होती है ब्रिक का साइज़ यही होता है यार वही रटी रटाई लाइन फिर दोबारा से ठीक है तो जैसे आप लोगों ने हाईवे के लेक्चर्स आपको बहुत अच्छे लगे ठीक है तो हाईवे के लेक्चर्स आप लोगों ने बहुत पसंद की है ना तो इसी तरीके से आप लोगों का जैसा फीडबैक रहेगा उसके अकॉर्डिंगली हम चीजें करेंगे बट मेरी कोशिश है कि क्वेश्चंस जो है वो आपके ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए क्योंकि तो जो क्वेश्चन आपने सीधे एक बार देख लिया ना एग्जाम में अगर वो आता है तो दिमाग में तुरंत क्लिक होता है आपका टाइम बचता है ठीक है टाइम बचता है आँ सब मिल जाएगा नोट्स वगैरह सब मिल जाएंगे और मैं इस वीक में आपका कंप्लीट कर दूंगा देखो कल रात भी मैं कम से कम दो ढाई बज गया था मुझे लेकिन मैं आपके स्टील के जो रिमेनिंग लेक्चर्स हैं वो अपलोड करके ही सोया ठीक है आप कुछ सात आठ लेक्चर्स रह गए थे तो मैंने उनको अपलोड किए उनकी पी वगैरह लगाई तो वर्क चल रहा है हो जाएगा रेटिंग का भी ऑप्शन है रेटिंग का अलग से ऑप्शन देने की क्या हो जाता है आप वैसे ही बता देना कमेंट कर सकते हो आप आप वेबसाइट पर भी कमेंट कर सकते हैं वेबसाइट के जो लेक्चर्स हैं वहाँ पर भी आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है नहीं तो जो भी फीडबैक है सीधे मुझे बताइए अच्छा ही अ, अच्छा बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो ठीक है कहीं पर कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हो तो वो बताइएगा सर इसमें ऐसा नहीं ऐसे किया जा सकता है और अगर वो करने लायक होगा तो ज़रूर किया जाएगा ठीक है दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं जो जैसे कल एक बच्चे ने क्या किया जसपाल सर के मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उस पर एक बच्चे ने जसपाल सर के सारे लेक्चर्स एक ना वो एक्सेल सीट बनाकर वहां पर डाली ग्रुप में तो मैं चाहता उसको डिलीट भी कर सकता था बट मैंने शायद डिलीट किया नहीं है वो पढ़ी हुई है तो मैंने देखा कि वहां पर जैसे यार अब वो मेडीसी की फैकल्टी है बड़े टीचर हैं है ना सब कुछ है अब मैंने देखा कि जैसे कुछ सब्जेक्ट है एनवायरमेंट समझ लो या आप कुछ और देख लो तो उनकी खाली थ्योरी थ्योरी सत्तर से अस्सी घंटे में मतलब सत्तर अस्सी लेक्चर खाली थ्योरी पढ़ाने में फिर उसके अलावा क्वेश्चन क्वेश्चन में टाइम जाएगा आप सोचो आपके पास क्या इतना समय है कि अगर आप सेवेंटी एट्टी हंड्रेड आवर्स थ्योरी में दो और फिर उसके बाद क्वेश्चन को अलग टाइम दो पता चला एक सब्जेक्ट में ही चले जाओगे अपने लेक्चर्स की खासियत क्या है कि कम टाइम में अब जैसे देखो सोचो स्टील हमने मैं चाहता प्लास्टिक एनालिसिस आपको बहुत मतलब एल डिजाइन में हम बहुत डीपली जा सकते थे ठीक है लेकिन जरूरत नहीं है तो हमने एल एस एम डब्ल्यू एस एम स्टील का विद क्वेश्चन केवल कितना ओनली ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स लेक्चर्स में हमने कंप्लीट कर लिया प्लास्टिक एनालिसिस एक लेक्चर आज लगेगा और एक कल लगेगा विशाल तो बेटा वेबसाइट के कमेंट पढ़ने का समय नहीं होता बालक आप मुझे पर्सनली भेज दो अगर कोई डाउट है तो व्हाट्सएप नंबर आपके पास है आप व्हाट्सएप में सेंड कर दो आप खुद सोचो वेबसाइट पर कमेंट्स पढ़ने का टाइम नहीं होता कि मैं वहां पर जाके कमेंट पढ़ूंगा है ना आप भेज दो मुझे पर्सनली फ्रिक्शन से रिलेटेड अब सोचो आप वहां कमेंट करोगे फिर मैं वहां रिप्लाई करूंगा अननेसेसरी हम प्रोसेस को क्या कर रहे हैं बढ़ा दे रहे इससे अच्छा तो आपने मुझे व्हाट्सएप कर दिया होता और मैं आपको क्लास में उसको लाइव बता देता तो कम टाइम में आपके क्योंकि हमें केवल पढ़ना नहीं है रिवीजन भी करना है याद रखिएगा पढ़ाई के साथ साथ क्या है रिवीजन रिवीजन बहुत जरूरी है एक बार में पढ़ने से कुछ नहीं होगा एक बार दो बार तीन बार 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 आप पढ़ो तब होगा ठीक है चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आई होप सभी स्टूडेंट्स आगे हैं मैं सबका वेट कर रहा था तो नाउ प्लास्टिक एनालिसिस प्लास्टिक एनालिसिस जो है वो लिमिट स्टेट मेथड का बेस है लिमिट स्टेट मेथड का बेस है गुड इवनिंग ठीक है चलिए नाउ प्लास्टिक एनालिसिस को समझने से पहले हम क्या करेंगे एक बैम्बू स्ट्रिप बांस की खपच्ची होती है जो बचपन में हम लोग ठीक है आलोक ये काम करेंगे मैं थोड़े बहुत टाइम में ना एक बार सारे लेक्चर्स वगैरह अपलोड हो जाए हफ्ते में एक दिन या तो मैं ना डाउट्स के लिए ही रख लूंगा ठीक है कर देंगे कोई दिक्कत नहीं <laughs> है नहीं नहीं शाह वैसे बतानी इतनी बड़ी मेरे कहने का मतलब है कि लेक्चर्स क्योंकि अपलोडेड है ना तो वो कम टाइम में कम टाइम में कवर किया गया इसलिए बता रहा हूँ ठीक है -AE के कब तक होने के चांसेस हैं यार जनवरी मुझे बताया गया है हालांकि जिसने भी बताया है अब तक उनकी मैक्सिमम बातें सच हुई हैं तो मैं समझता हूं कि शायद ये बात भी सच हो तो फिलहाल सोलह जनवरी को ध्यान में रखा जा रहा है आपके यूपीपीएससी एग्जाम के लिए ठीक है अब नो मोर कमेंट सीधे पढ़ाई ठीक है दस बजकर दस मिनट हो चुका है तो आज ठीक है हमें फिफ्टी परसेंट पोर्शन है खत्म करना है अब हम केवल पढ़ाई करेंगे अब मैं कोई कमेंट नहीं लूंगा ठीक है चलिए तो प्लास्टिक एनालिसिस को समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे सबसे पहले एक बैंबू स्ट्रिप का एग्जाम्पल लेंगे बांसी खपच्ची का जिसको हम लोग बचपन में है ना तीर कमानी खेलते थे अब ये बेम्बू स्ट्रिप है अगर मैं इसको मोड़ता हूं अगर मैं इस बैम्बू स्ट्रिप को मोड़ता हूं तो क्या होगा ठीक है सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें मालूम है इज़ इक्वल्स टू होता है एम अपॉन आई इन टू वाई तो जो स्ट्रेस होती है वो वाई पर डिपेंड करती है वाई क्या होती है न्यूट्रल एक्सिस से डिस्टेंस तो जो एक्सट्रीम फाइबर होते हैं ये आपने प्रैक्टिकली भी देखा है कि जो बाहर का फाइबर होता है ये जो बाहर वाले फाइबर होते हैं ये पहले ब्रेक करते हैं ये पहले ब्रेक करते हैं क्या ये फाइबर ब्रेक हो गया तो क्या मैं इसको फेल मान लूंगा क्या एक फाइबर फेल होने से क्या ये बेम्बू स्ट्रिप टूट गई नहीं एक और फाइबर ब्रेक हो गया तो क्या ये बेंबू स्ट्रिप ब्रेक हो गई नहीं एक और ब्रेक कर गया नहीं जब तक ये सारे फाइबर्स में क्रैक ना पड़ जाए तब तक हम इस बेम्बू स्ट्रिप को टूटा हुआ नहीं मानेंगे समझ रहे तो डब्ल्यू एस ए क्या करता है डब्ल्यू एस ए क्या करता है कि जो एक्सट्रीम फाइबर है अगर ये टूट गया तो सब टूट गया फेल फेल मान लिया मतलब जैसे मान लो ना एक राजा है या मान लो आप चेस खेल रहे हो चेस में आपका पहला प्यादा खत्म आपने कभी हमने हार मान ली अब आप तो अपने जीतने के कोई चांसेस ही नहीं राजा के पास पैदल हैं घोड़े हैं ऊंट वाले हैं हाथी वाले हैं तीर कमान वाले हैं भाला फेंकने वाले हैं तलवार वाले है। पैदल वालों की एक छोटी सी टुकड़ी खत्म हो गई राजा ने हथियार डाल भैया अब तो हम तो खत्म हो गए हम तो हार गए ऐसा थोड़ी ना होता है तो केवल आउटर फाइबर के क्रैक कर जाने से फेलियर नहीं होगी पहली बात तो ये समझो चलो ये तो क्या था बेम्बो स्ट्रिप थी तो यहां से क्रैक कर भी गई अगर स्टील होता तो क्या होता स्टील होता तो याद रखिएगा ये फेल नहीं होती है हाँ डबल एस बहुत छुई मुई है ये फेल नहीं होता है इसका क्या होता है एक्सेसिव इलांगन हो जाता है अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है अगर कोई डक्टाइल मटेरियल है तो आपका जो एल एस एम डब्ल्यू एस एम है वो कहता है कि अगर स्ट्रेस एफ वाई पहुंच गई तभी फेल हो गया ईल स्ट्रेस पर पहुंचे नहीं कि फेल हो गया जबकि सच्चाई ये होती है कि यहां पर क्रैक नहीं पड़ता इसमें क्या हो जाता है थोड़ा एलोंगेशन आ जाता है ठीक है एलोंगेशन आ जाता है अच्छा जब ये इलोंगेट कर जाएगा जब ये अपनी ईल्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाएगा तो क्या होता है इसमें डिफॉर्मेशन बढ़ता रहता है अब अगली अब जिम्मेदारी किसकी होती है अंदर वाली लेयर की तो पहले ये लेयर ईल्ड स्ट्रेस पर पहुंचेंगी फिर ये वाली पहुंचेंगी फिर ये ईल्ड स्ट्रेस पर पहुंचेंगी फिर ये और एंड ऑन एक टाइम आता है जब आपका पूरा का पूरा सेक्शन जो होता है इसमें ईल्ड स्ट्रेस आ जाती है ईल्ड स्ट्रेस आ जाती है ठीक है तो इसको समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा पहले थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम दोबारा से समझना होगा ये स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग सोम में पढ़कर आते हैं हम लोग क्या पढ़ते हैं स्टील के लिए कि भाई देखो पहले स्टार्टिंग में ग्राफ आपका क्या रहता है लीनियर रहता है इसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे आता है फिर ये कांस्टेंट हो जाता है और फिर इस तरीके से आता है इसमें ए पॉइंट आपका लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी था बी आपका इलास्टिक लिमिट था सी और सी डी आपके ईल्ड पॉइंट थे C से D के बीच में जो रीजन है वो प्लास्टिक रीजन रहता है हालांकि छोटा सा रीजन दिखाया ये बहुत ज्यादा होता है इसके बाद स्ट्रेन हार्डनिंग होती है बाद में नेकिंग होती है और फाइनली फ्रैक्चर यानी कि जो फ्रैक्चर होगा वो यहां जाकर होगा और डब्ल्यू एस एम क्या कहता है इसके आगे मत जाओ डब्ल्यू एस एम क्या कहता है इसके आगे मत जाओ जबकि फ्रैक्चर यहां जाकर होगा समझ इतना ज्यादा स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट करता है इतना दीजिए क्या होता है कि ये जो स्ट्रेन होती है ईल्ड पॉइंट पर ये होती है पॉइंट जीरो जीरो वन और जहां पर प्लास्टिक रीजन खत्म होता है वहां स्ट्रेन होती है पॉइंट जीरो अगर इन दोनों का रेशो लें तो ट्वेल्व यानी कि जब परमानेंट डिफॉर्मेशन होती है स्टार्ट होती है और जहां पर प्लास्टिक रीजन खत्म होता है वहां पर स्ट्रेन का या ये डिफॉर्मेशन का रेशियो कितना है ट्वेल्व 12 बारह है। 12 गुना ज्यादा डिफॉर्मेशन हो जाता है ठीक तो प्लास्टिक रीजन में क्या होता है ये जो प्लास्टिक रीजन है इस रीजन में क्या होता है इलोंगेशन एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इलांगेशन एट कॉन्स्टेंट स्ट्रेस प्लास्टिक रीजन में कॉन्स्टेंट स्ट्रेस पर इलोंगेशन होता है

तो इसमें ये जो पॉइंट है आपका ये क्या बता रहा है ईल्ड स्ट्रेस अब इसके आगे देखना यहां से इस प्लास्टिक रीजन में देखना इसके आगे गए यहां पर तो स्ट्रेन आपकी इतनी है यहां पर गए तो स्ट्रेन इतनी है यहां गए तो स्ट्रेन इतनी है यहां गए तो स्ट्रेन इतनी, है, तो इतनी है. हम क्या देख रहे हैं स्ट्रेन बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेस उतनी ही है हर पॉइंट पे स्ट्रेस सेम सेम हां बिल्कुल यही बात बोल यही बोलेंगे एग्जैक्टली exactly. तो हम क्या बोलेंगे प्लास्टिक रीजन में स्ट्रेन बढ़ती है लेकिन स्ट्रेस कांस्टेंट रहती है और ये किसके बराबर होती है यील्ड स्ट्रेस के प्लास्टिक रीजन में कांस्टेंट स्ट्रेस पर स्ट्रेन बढ़ती चली जाती है और इस समय जो स्ट्रेस होती है वो यील्ड स्ट्रेस के बराबर होती है यील्ड स्ट्रेस के क्या होती है बराबर होती है ये बात समझ में आ गई ठीक है ध्यान दीजिएगा सर जब यील्ड स्ट्रेस आएगी तब फाइवर में टेन पॉइंट जीरो वन फाइव तक जाएगा या जीरो पॉइंट जीरो देखो जब यील्डिंग जस्ट स्टार्ट होगी जब यील्डिंग जस्ट स्टार्ट होगी तब स्ट्रेन आपकी 0.00125 है और जहां पर प्लास्टिक रीजन खत्म होगा वहां 0.015 है समझ गए ये 0.00125 कम वैल्यू है ना ये वैल्यू ज्यादा है यहां पर यील्डिंग जस्ट स्टार्ट हुई है यील्डिंग जस्ट स्टार्ट हुई है परमानेंट डिफॉर्मेशन जस्ट स्टार्ट हुआ अब मेरी बात समझना ध्यान से एम अपॉन आई इज इक्वल टू क्या है सिग्मा अपॉन वाई एम अपन आई इजिकल्स टू सिग्मा अपन वाई तो सिग्मा इजिकल्स टू क्या होगा एम अपन आई इन टू वाई होगा अब मान लीजिए ये आपके पास एक स्टिरप थी आपने इसको अभी इतना मोड़ा है आपने यहां पर कुछ मोमेंट लगाया एम और एम मोमेंट लगाने से यहां पर मिड में जो स्ट्रेस है वो सिग्मा इजिकल्स टू एफ वाई पहुंच गई इस समय अब आपको मालूम है ये वाली साइड कौन सी टेंशन साइड है जब ये टेंशन साइड है तो यहां पर कुछ इलोंगेशन होगा या नहीं होगा जब इलोंगेशन होगा तो यहां पर इस समय जो स्ट्रेन होगी उसको मैंने एफसेलन वन मान लिया इतना समझ में आ गई बात लेकिन मान लो मैं क्या करूं इसको थोड़ा सा और ज्यादा मोड़ते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा और ज्यादा मोड़ दिया अब जब मैंने इसको इतना ज्यादा मोड़ दिया बालक मैंने अभी क्या बताया फेलियर का मीनिंग क्या बताया फेलियर का मतलब एक्सेसिव डिफॉर्मेशन ठीक है लेकिन हम लोग फेलियर कहां तक प्लास्टिक एनालिसिस इसीलिए तो यूज कर रहे हैं कि पहला फाइबर फेल होने का मतलब नहीं मेरे ख्याल से देर से ज्वाइन किया पहला फाइबर फेल होने का मतलब है कि सारा कुछ फेल हो जाए ये नहीं है वहां पर फेलियर जस्ट स्टार्ट हुई है वहां पर फेलियर जस्ट स्टार्ट हुई है फेल नहीं हुआ है ठीक है जब तक लास्ट फाइवर में स्ट्रेस स्ट्रेस के बराबर ना हो जाए तब तक हम लोग फेल नहीं मानेंगे अब यहां पर ध्यान दोगो अब इस समय बताओ इस वाले केस में क्या होगा इस वाले केस में अभी भी जो स्ट्रेस है वो तो एफ वाई है लेकिन स्ट्रेन किसके बराबर है एप्सिलॉन टू के तो क्या ये दोनों स्ट्रेन बराबर होंगी या सेकेंड वाले केस में स्ट्रेन ज्यादा होगी या सेकेंड वाले केस में स्ट्रेन ज्यादा होगी सेकेंड वाले केस में स्ट्रेन ज्यादा होगी क्यों क्योंकि डिफॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होता जाएगा जितना ज्यादा डिफॉर्मेशन होता जाएगा उतनी ज्यादा स्ट्रेन आती जाएगी उतनी ज्यादा क्या आती जाएगी स्ट्रेन आती जाएगी समझ गए तो स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगी बट स्ट्रेन बढ़ जाएगी ये बात क्लियर होगी ठीक है एग्री करते हैं ठीक अब ये बताओ दोनों केस में मोमेंट कौन से केस में ज्यादा होगा क्या यहां पर मुझे उतना ही मोमेंट लगाना पड़ेगा जितना यहां पर लगा रहे थे या ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा या ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा अगर यह मोमेंट एम वन है तो यहां पर जो मोमेंट लगेगा एम टू क्या टू की वैल्यू एम वन से ज्यादा नहीं होगी क्या एम टू की वैल्यू एम वन से ज्यादा नहीं होगी एम टू की वैल्यू एम वन से ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा मोड़ना है तो ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा कम मोड़ना है तो मोमेंट कम लगाना पड़ेगा ज्यादा मोड़ने के लिए ज्यादा मोमेंट लगाना पड़ेगा आपको सेकंड में ज्यादा लेकिन ये अभी इतना मुड़ा है क्या ये पूरा कोलैप्स कर गया क्या ये पूरा कोलैप्स कर गया अगर मैं इसको छोड़ दू अभी तो ये सीधा क्या रहेगा अपनी पोजिशन वापिस आ जाएगा भाई अगर मैं इसको अभी यहां से मोमेंट हटा दू तो ये क्या हो जाएगा अपनी पोजिशन वापिस आ जाएगी रॉड इलास्टिसिटी है इसके अंदर तो ये मुझे बताओ ये तो आपको पता है ना कि हर मेटेरियल बेंडिंग को क्या करता है रजिस्ट करता है और बेंडिंग को रजिस्ट करने के लिए क्या होता है एक अपोजिट मोमेंट क्रिएट होता है तो ये जो बढ़ा हुआ बेंडिंग मोमेंट है इसे कौन रजिस्ट करेगा बाहर वाले फाइबर में तो स्ट्रेस पहले भी एफ वाई थी और बाहर वाले फाइबर में अभी भी स्ट्रेस एफ वाई है ठीक है और फोर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है स्ट्रेस इन टू एरिया फोर्स होता है तो भाई स्ट्रेस तो पहले यहां पर इतनी स्ट्रेन पर भी एफ वाई थी और इतनी स्ट्रेन पर भी एफ वाई है तो कौन रजिस्ट कर रहा है अंदर वाले फाइबर रजिस्ट कर रहे कौन रजिस्ट कर रहा है अंदर वाले फाइबर रजिस्ट कर रहे है। ठीक है इसको एक और तरीके से समझेंगे इसको एक और तरीके से समझेंगे आपको बताया था कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होते हैं वो क्या होते हैं स्प्रिंग टाइप के होते हैं कैसे होते हैं स्प्रिंग टाइप के तो सबसे पहले बताओ कौन सी स्प्रिंग ज्यादा इलांगेट होंगी अगर हम इसको इस तरीके से मोड़ें तो सबसे पहले बताओ सबसे ज्यादा कौन सी स्प्रिंग इलांगेट होंगी ये बाहर वाली उसके बाद में ये वाली इलांगेट स्टार्ट होना शुरू होंगी उसके बाद में ये इलांगेट स्टार्ट होना शुरू होंगी आप समझ रहे तो सबसे पहले जो बाहर के जो फाइबर्स हैं वो रजिस्ट करते हैं लेकिन जब ये अपनी ईल्ड स्ट्रेस पर पहुंच जाते हैं तो अब इन पर और ज्यादा स्ट्रेस नहीं लगाई जा सकती अब इन पर स्ट्रेस और ज्यादा नहीं लगाई जा सकती तो अब मोमेंट को कौन रजिस्ट करेगा ये अंदर वाले फाइबर्स तो ठीक है लेकिन याद रखिएगा जब ये ईल स्ट्रेस पर पहुंचेंगे हाँ जैसे एक सैनिक खत्म हो गया तो दूसरा सैनिक लड़ने आ गया बिल्कुल सही बात वही वाली बात है लेकिन उस समय यह शांत नहीं बैठा है याद रखिएगा यह शांत नहीं बैठा है इसका क्या होता जा रहा है डिफॉर्मेशन होता जा रहा है स्ट्रेस नो डाउट दोनों की सेम होगी इसकी और इसकी दोनों की ईल्ड स्ट्रेस सेम है मान लो ये भी एफ वाई पर पहुंच गया और ये भी एफ वाई पर पहुंच गया लेकिन सेम एफ वाई पर बाहर वाले की स्ट्रेन जो है वो ज्यादा है और इस वाले की स्ट्रेन क्या है कम है तो डिफरेंस किसका रहता है स्ट्रेन का रहता है डिफरेंस किसका रहता है स्ट्रेन का रहता है ठीक है अब देखिए हमारे पास कितनी तरह की सिचुएशन होती है उसको समझते हैं हमारे पास इक्वेशन क्या है सबको से सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ये भी है. सिग्मा को मैं क्या लिख सकता हूं एम वाईज आई ये भी मालूम है अभी हमारे पास ये एक रेक्टेंगुलर बीम थी ये हमारे पास क्या है एक रेक्टेंगुलर बीम है जिस पर हमने कुछ मोमेंट लगाया और इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे है. ठीक तो स्टार्टिंग में क्या होगा जो स्ट्रेस है वो स्ट्रेस से कम है जो स्ट्रेस है वो क्या है अभी स्ट्रेस से कम है तो इस समय जो हमने मोमेंट लगा रखा होगा क्योंकि तो आपको क्या बताया धीरे धीरे हमें क्या करना पड़ेगा मोमेंट बढ़ाना पड़ेगा जैसे जैसे हम मोमेंट बढ़ाते जाएंगे आउटर फाइबर पहला फाइबर ब्रेक करेगा या डिफॉर्म करेगा हमने मोमेंट और बढ़ाया तो अगला फाइबर ब्रेक किया या उसका डिफॉर्मेशन हुआ हमने मोमेंट और बढ़ाया मोमेंट हम बढ़ाते जा रहे हैं बढ़ाते जा रहे हैं हम कब तक मोमेंट बढ़ाते जाएंगे और मोमेंट बढ़ाने का मतलब मोमेंट क्या होता है डब्ल्यू एल स्क्ट सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए तो मोमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है लोड बढ़ा देना फॉर एग्जाम्पल एक बीम है फॉर एग्जाम्पल एक बीम है इस बीम के ऊपर हम लोग अगर ब्रिक वर्क कर रहे हैं तो भाई पहले फर्स्ट लेयर आएगी उसके बाद इसके ऊपर सेकेंड लेयर आएगी ब्रिक्स की फिर थर्ड लेयर आएगी ठीक है फिर फोर्थ लेयर आएगी धीरे धीरे क्या होता है लोड बढ़ता जाएगा लोड बढ़ता जाएगा मोमेंट बढ़ता जाएगा है ना तो मोमेंट बढ़ाने का मतलब क्या है लोड बढ़ाते जा रहे हैं एक मोमेंट आएगा जब स्ट्रक्चर आपका कोलेप्स कर जाएगा बीम फेल कर जाएगी तो हम कहेंगे बस भैया इससे ज्यादा लोड नहीं लगाना इससे ज्यादा लोड नहीं लगाया हमें कैपेसिटी मालूम चलेगा वही तो चाहिए डिजाइन के लिए भाई तो मुझे डिजाइन के लिए चाहिए कि किसी स्ट्रक्चर पर कि मैक्सिमम कितना लोड लगा सकता हूं ठीक है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? तो अब हमारे पास जो मोमेंट की वैल्यू है तो सिग्मा जो मैक्सिमम है मैक्सिमम स्ट्रेस कितना ले सकते हैं हम लोग मैक्सिमम स्ट्रेस कितना लेंगे एफ वाई तो मैक्सिमम इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी मतलब अगर इससे कम मोमेंट लगाया तो मोमेंट को हटाने पर बीम अपनी इनिशियल पोजीशन क्या कर लेगी रिगेन कर लेगी ठीक है तो सिग्मा इज इक्वल्स टू एम बाई जेड होता है तो यहां से एम बराबर क्या सिग्मा जेड हो जाएगा ठीक है तो मैक्सिमम मोमेंट किसी सेक्शन पर कितना लगाया जा सकता है जब स्ट्रेस मैक्सिमम होगी स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है एफ वाई तो एफ वाई इंटू सेक्शन वॉड्यूलस ये हमारा क्या मिल गया मैक्सिमम मोमेंट मिल गया इसको मैंने बोला इलास्टिक मोमेंट एम ई मैंने इसको क्या बोला इलास्टिक मोमेंट या इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी क्यों क्योंकि ईल स्ट्रेस से पहले यहां तक हम लोग क्या मानकर चलते हैं यहां तक हम लोग इसको इलास्टिक मानकर चलते हैं अगर इससे कम स्ट्रेस है इससे कम स्ट्रेस होने का मतलब क्या है जब मोमेंट आपके पास इलास्टिक मोमेंट है तो स्ट्रेस आपके पास एफ है अगर मोमेंट इलास्टिक मोमेंट से कम है इसका मतलब स्ट्रेस ईल्ड स्ट्रेस से कम है और अगर स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से कम है इसका मतलब लोड जैसे ही हटाओगे ये अपनी इनिशियल पोजिशन में वापिस आ जाएगा वापिस आ जाएगा समझ गए तो जो इलास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हो जाएगी वो आपके पास क्या रहेगी एफ वाई इंटू जेड इसको हम जेड ई भी लिख सकते हो क्या लिख सकते हो जेड ई बी लिख सकते हो ठीक है अब देखो तो जब हमने मोमेंट अगर एम ई e से कम लगाया है तो जो स्ट्रेस होगी वो ईल स्ट्रेस से क्या होगी कम होगी तो हमें जो डायग्राम दिखेगा स्ट्रेस डायग्राम वो ऐसा दिखेगा अब देखिएगा ये जो एरो सेक्शन की तरफ होते हैं ये कंप्रेशन शो करते हैं और जो एरो सेक्शन से दूर की तरफ जाते हैं वो टेंशन शो करते हैं ये समझ में आ गया अब मान लो हमने क्या किया लोड बढ़ाया लोड बढ़ाने से मोमेंट बढ़ गया जब मोमेंट बढ़ा तो एक टाइम ऐसा आ सकता है ना कि मोमेंट आपका इलास्टिक मोमेंट के बराबर हो जाए जब मोमेंट इलास्टिक मोमेंट के बराबर हो जाएगा उस समय स्ट्रेस किसके बराबर हो जाएगी एफ वाई के लेकिन कौन से फाइबर में सर एक्सट्रीम फाइबर में कौन से फाइबर में एक्सट्रीम फाइबर में मैंने कहा चलो लोड लोड और और बढ़ाते हैं लोड और बढ़ाएंगे तो मोमेंट और बढ़ जाएगा अब मोमेंट क्या होगा मोमेंट इलास्टिक मोमेंट से ज्यादा हो जाएगा फिर क्या होगा तो वहां पर कहानी स्टार्ट ये होगी कि अब ये वाला जो एक्सट्रीम फाइबर था इसमें स्ट्रेस यील्ड स्ट्रेस से ज्यादा नहीं हो सकती तो ये अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुंच गया ये फाइबर अपनी मैक्सिमम स्ट्रेस पर पहुंच गया अभी इससे ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता तो क्या होगा इसका जो अंदर वाला फाइबर है वो इल्ड स्ट्रेस पर जाएगा हमने उससे भी ज्यादा मोमेंट लगा दिया तो उससे अंदर वाला जो फाइबर है वो इल्ड स्ट्रेस पर जाएगा ठीक है तो मान लीजिए अभी मोमेंट इलास्टिक मोमेंट से ज्यादा है और इतना ज्यादा है कि यहां तक का जो सेक्शन है यहां तक का जो सेक्शन है यानी कि अगर मैं इसके सामने देखूं तो ये वाला ठीक है तो यहां इस पूरे सेक्शन में जो स्ट्रेस है एरिया में जो स्ट्रेस है वो ईल्ड स्ट्रेस के बराबर है बट इस अंदर वाले रीजन में जो स्ट्रेस है वो ईल स्ट्रेस से कम है इतना आपको समझ में आया हो तो बताओ फिर मैं आगे बढ़ता हूं ये डायग्राम क्या है ये स्ट्रेस का वेरिएशन है न्यूट्रल एक्सिस से स्ट्रेस क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ये आपको मालूम है ठीक है भाई अभी बताओ जिस समय जिस समय ये पर पहुंचेगा इसमें नहीं अब शेप रीगेन नहीं करेगा अब शेप रीगेन नहीं करेगा क्योंकि तो आउटर फाइबर जो है उनमें परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है परमानेंट डिफॉर्मेशन आ चुका है कुछ इलास्टिक रिकवरी होगी हंड्रेड परसेंट नहीं होगी इसको एक तरीके से समझो मान लो मैं इस बार ज्वाइनिंग ले लेता हूं मैं। मैं इस बार ज्वाइन कर लूंगा है ना और आप अगली जो अब जो अब वैकेंसी आई है आप इसमें ज्वाइन करोगे मैं भी ए की पोस्ट पर हूं और आप भी ए की पोस्ट पर हो दोनों ए की पोस्ट पर है बट दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा बताइए दोनों में क्या डिफरेंस होगा दोनों की सेम है तो जो पहले ज्वाइन करेगा उसके पास क्या होगा एक तो एक्सपीरियंस ज्यादा होगा और हो सकता है एक साल का इंक्रीमेंट लग जाए तो इसकी ज्यादा हो हालांकि पोस्ट दोनों की सेम है बिल्कुल उसी तरीके से चाहे ये वाला फाइबर हो चाहे ये वाला फाइबर हो चाहे ये वाला फाइबर हो सब में जो स्ट्रेस है वो ईल्ड स्ट्रेस है सबकी पोस्ट सेम है सब यही है लेकिन जो सबसे पहले वाला होगा जो सबसे पहले वाला होगा उसमें इलोंगेशन ज्यादा हो रखा होगा उसमें इलोंगेशन ज्यादा हो रखा होगा उसमें स्ट्रेन ज्यादा होगी ये वाला जो है इसमें स्ट्रेन इस इससे कम होगी लेकिन इस वाले से ज्यादा होगी ठीक है ये कैसे मालूम चलेगा तो ये इस डायग्राम से मालूम चलेगा अगेन देखो ये वाला पॉइंट इस पर भी जो स्ट्रेस है वो हिल स्ट्रेस है बट इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो इतनी है ये वाला पॉइंट जो है इसके अंदर भी स्ट्रेस तो है वाई है बट इसके अंदर जो स्ट्रेन है वो इतनी है गए तो इसको ऐसे समझो अगर मैं इसको एक, एक, हम एक एनिमेशन के थ्रू समझे ये तीन पॉइंट है ये तीन आ रहे थे ऐसे सबसे पहले कौन ये व्हाइट वाला यील्ड ईल्डेंस पर पहुंचा ये व्हाइट वाला बैंक ये व्हाइट वाला यील्ड डिस्टेंस पर पहुंचा अब ये येलो वाला ये व्हाइट वाला आगे बढ़ रहा है और ये येलो वाला यील्ड वालास पर पहुंचा अब देखो व्हाइट वाला और ये येलो वाला दोनों पॉइंट अभी क्या है यील्ड ईल्ड पर है लेकिन फर्क क्या है कि व्हाइट वाले की स्ट्रेन ज्यादा है व्हाइट वाले की क्या है स्ट्रेन ज्यादा है इसी तरीके से थोड़ा सा और आगे बढ़े अभी पिंक वाला हिल स्ट्रेस पर पहुंच गया तो अब अगर मैं इनको देखूं तो क्या होगा इसकी स्ट्रेन सबसे ज्यादा इसकी स्ट्रेन उससे कम इसकी स्ट्रेन सबसे कम जबकि स्ट्रेस तीनों की क्या है सेम है स्ट्रेस तीनों की क्या है सेम है बट स्ट्रेन इस इसकी सबसे ज्यादा होगी इसकी उससे कम होगी ये चलता है ठीक है तो आई होप ये सारे डायग्राम आपको समझ में आए होंगे अब एक टाइम ऐसे आता है मोमेंट बढ़ाते बढ़ाते एक टाइम ऐसा आता है कि हम इतना मोमेंट बढ़ा बना ले आते हैं और एक टाइम ऐसा आता है जब एम इजिकल्स टू एम की जब हर एक फाइबर पर जो स्ट्रेस होती है हमारे पास वो ईल स्ट्रेस के बराबर पहुंच जाती है अब क्या हुआ M MP. हाँ बिल्कुल सभी केसेस में जो सबसे बाहर वाले फाइबर होंगे उनमें स्ट्रेन सबसे ज्यादा होगी और जैसे जैसे हम अंदर की ओर जाएंगे स्ट्रेन कम होती जाएगी हालांकि स्ट्रेस जो स्ट्रेस होगी वो सभी में ईल स्ट्रेस के बराबर होगी ठीक है जैसे 2013 वाले जिन्होंने ज्वाइन किया वो भी एई की पोस्ट पर है ज्वाइन करेंगे वो भी एई की पोस्ट पर होंगे जो आगे ज्वाइन करेंगे वो भी एई की पोस्ट पर होंगे सबकी पोस्ट सेम होगी लेकिन सबका एक्सपीरियंस और सबकी सैलरी अलग अलग होगी ठीक है बैंक वैलेंस अलग अलग होगा कहने का मतलब चलो ठीक है तो ये वाला जो कॉन्फिग्रेशन है अब हमने बोला कि हमारा मोमेंट जो है वो किसके बराबर हो चुका है प्लास्टिक मोमेंट के बराबर हो गया किसके इक्वल हो गया प्लास्टिक मोमेंट के ठीक है इसको बोलते हैं कि हमने अब मेटेरियल को क्या क्या है इसकी हंड्रेड परसेंट स्ट्रेंग को एक तरीके से मोबिलाइज कर दिया है इसको क्या कर दिया फुल स्ट्रेंथ को मोबिलाइज कर दिया है यहां पर केवल एक्सट्रीम फाइबर नहीं अंदर वाली भाई ये भी तो स्टील ही है ना ठीक है तो ये भी तो स्टील है इसको भी लड़ने का पूरा हक है तो हमने इसको भी पूरा हक दिया लड़ने का भाई तुम भी लड़ो जाओ फाइट करो तुम भी इल स्टेस पर पहुंचो वीर गति को प्राप्त हो इसको बोलते हैं मोबिलाइजेशन तो हमने मोबिलाईजेशन सेक्शन की इसमें जो कंप्लीट स्टील थी उसको हमने क्या किया मोबिलाइज कर दिया उसको उसको हमने यूज कर लिया ठीक लेकिन देखिएगा अभी भी फेलियर नहीं हुई है फेलियर अभी भी नहीं हुई है डिफ्लेक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन फेलियर नहीं हुई अभी भी फेलियर कब होती है जब इससे ज्यादा मोवमेंट हम लगा देते हैं तो फिर वहां पर रिजिड बॉडी मूवमेंट हो जाता है फिर वहां पर जिसको बोल रहे पिचकना पिचक जाता है जो भी रॉड होगी स्टील की जो भी स्ट्रक्चर होगा पिचक जाएगा कोलेप्स कर जाएगा तो ये बाउंड्री लाइन है बाउंड्री लाइन है तो एम इजिकल्स टू एम पी कॉल्ड प्लास्टिक मोमेंट तो प्लास्टिक मोमेंट पर पूरा सेक्शन जो है वो आपका क्या हो गया अब स्ट्रेस में कन्वर्ट हो गया लेकिन यहां देखिएगा एक्चुअल डायग्राम क्या था अभी भी एक्चुअल डायग्राम ये है फ्रैक्चर यहां जाकर होगा हमने केवल अभी भी यहीं तक की कैपेसिटी को यूज कर रहे हैं सर तो आफ्टर हम सबका स्ट्रेस खत्म पर आपका स्ट्रेस <laughs> ये भी सही है अब्रजेश जी ठीक है हम यहीं तक का कर यूज करें इसके बाद भी फेलियर से पहले क्या होगी स्ट्रेन हार्डनिंग होगी अभी भी हम और अभी भी और मोमेंट लगा सकते हैं लेकिन फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हुए अभी हम मोमेंट लगाएंगे नहीं लगाएंगे नहीं हाँ बिल्कुल हम बस प्लास्टिक रीजन तक ही कंसीडर करेंगे इसके आगे का रीजन कंसीडर नहीं करेंगे प्लास्टिक एनालिसिस में याद है ना, ना ग्रॉस सेक्शन इल्डिंग जब हमने पढ़ा था ग्रॉस सेक्शन ईल्डिंग तो ग्रॉस सेक्शन इल्डिंग में हम लोग क्या करते थे ईल्ड स्ट्रेस लेकर चल रहे थे ना जब नेट सेक्शन रप्चर की बात होगी तो रप्चर यहां जाएगा वो डिफरेंट थिंग है अभी भी स्ट्रेन हार्डनिंग अभी भी, भी बाकी है ठीक है चलिए अब हमारा पर देखो अब हमें यह समझ में आ गया कि इलास्टिक मोमेंट क्या होता है एफ वाई इंटू जेड ई प्लास्टिक मोमेंट क्या होता है एफ वाई इंटू जेड पी ठीक है फुल्ली प्लास्टिक सेक्शन में क्या होगा एक एक फाइबर में जो स्ट्रेस होगी वो यील्ड e स्ट्रेस के बराबर होगी बट स्ट्रेन सेम नहीं रहेगी स्ट्रेन वेरिएबल रहेगी ठीक है और अभी हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे आज हर एक टॉपिक का जो भी पढ़ेंगे तो उससे भी आपको क्लियर रहेगा अब मैं चाहता हूँ ये प्लास्टिक मूवमेंट कैपेसिटी कितनी होती है मैं उसे कैलकुलेट करना चाहता हूँ ठीक है तो देखो जब हम प्लास्टिक मोमेंट पर पहुंचे तो ये पूरा का पूरा सेक्शन जो था ऊपर का हाफ सेक्शन इसमें क्या है ईल डिस्ट्रेस है और नीचे भी क्या है ईल डिस्ट्रेस है अब हमें मालूम है कि इक्वेलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए क्वेलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए कंप्रेशन कंप्रेशन इज इक्वल्स टू टेंशन कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन जितना कंप्रेशन फोर्स लगेगा उतना ही क्या लगेगा टेंशन फोर्स लगेगा कंप्रेशन इज इक्वल टू टेंशन अब ये जो ऊपर वाला एरिया है बीम का या किसी भी सेक्शन का कहिए जैसे ये वाला एरिया मान लो ए वन है और ये वाला एरिया मैंने कह दिया ए टू है ए तो वन एरिया कंप्रेशन में है और ए टू एरिया टेंशन में अब देखो स्ट्रेस इज इक्वल्स टू क्या होता है फोर्स अपॉन एरिया ये फॉर्मूला हम कब लगाते हैं जब स्ट्रेस थ्रू आउट कॉन्स्टेंट होती है जब सेक्शन में स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है या जब एरिया पर एरिया में स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है तो हम सिग्मा इज इक्वल टू एम एफ अपॉन ए लिख सकते हैं एक बार बताओ एफ इज इक्वल्स टू क्या स्ट्रेस इनटू एरिया नहीं हो जाएगा अगर इतने एरिया में स्ट्रेस कॉन्स्टेंट है तो जो कंप्रेशन फोर्स होगा जो नेट कंप्रेशन फोर्स होगा और जो नेट टेंशन फोर्स होगा अब ये मत सोचना कि कि सर ये 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 दोनों एक इसका सिंपल मतलब होता है कि ये four, ये four है है फोर्स फोर्स जो वो सेक्शन की तरफ क्योंकि तो सेक्शन ये है ना पूरा तो सेक्शन की तरफ होने का मतलब कंप्रेशन और ये सेक्शन से दूर है अवे फ्रॉम सेक्शन अवे फ्रॉम सेक्शन टेंशन तो आप मत ये मत सोचना कि सर दोनों की डायरेक्शन सेम है एक्चुअली मजबूरी होती है कि हम लोग डायग्राम ऐसे दिखाते हैं लेकिन अगर आपको सोम के मेरे स्ट्रक्चर याद होंगे तो आपने देखा होगा कि मैं बेंडिंग स्ट्रेस को मैंने ऐसा दिखा रखा है कि ऊपर वाले सेक्शन में यहाँ पर कंप्रेशन ऐसे दिखाया हुआ है और नीचे हमने टेंशन ऐसे दिखाया हुआ है तो कंप्रेशन ऐसे और टेंशन ऐसे ठीक है तो कंप्रेशन सेक्शन की तरफ टेंशन सेक्शन से दूर तो कंप्रेशन फोर्स कितना होगा स्ट्रेस इनटू यहां तक के सेक्शन का जो एरिया होगा दैट इज ए वन तो एफ वाई इनटू ए वन इसी तरीके से जो टेंसाइल फोर्स होगा वो भी कितना होगा स्ट्रेस तो कितनी है एफ वाई और एरिया कितना ए टू तो एफ वाई ए वन इज इक्वल्स टू एफ वाई ए टू इसका मतलब क्या हो गया ए वन बराबर ए टू दोनों एरिया क्या होंगे बराबर होंगे ठीक है और मुझे मालूम है ए प्लस ए अगर ए है भाई ये बताओ अगर ए वन बराबर है दिस इज इक्वेशन वन एंड दिस इज इक्वेशन ट ए वन ए ट बराबर भी आ गया और ए वन प्लस ए टू ए भी इनका समेशन ए के बराबर है इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं कि ए वन इजिकल्स टू ए टू इजिकल्स टू ए बाई टू यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकलता है कि ये जो न्यूट्रल एक्सिस होती है इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो होती है वो पूरे सेक्शन को दो पार्ट में ब्रेक करती है दो इक्वल पार्ट में ब्रेक करती है तो देखो ये आपको दिखा रखा है कि जो ऊपर वाला पार्ट है इसमें क्या लग रहा है कंप्रेसिव फोर्स और जो नीचे वाला जो ये जो सेक्शन है इसमें क्या लग रहा है टेंशन बाहर की ओर कंप्रेशन ठीक है तो फिफ्टी परसेंट एरिया ये होगा और फिफ्टी परसेंट एरिया पर टेंशन लगेगी तभी ये दोनों फोर्सेस क्या होंगे एक दूसरे के बराबर अगर ये ए वन और ए वन बराबर ए टूज टू ए बाई टू

तो प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस समझ में आ गया प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस पूरे सेक्शन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगी जबकि इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस कहां से पास होगी सेंट्रोइड से पास होगी ठीक है अब हमारे पास कुछ सेक्शन है ठीक है अभी आ रहे हैं देखो यहां पर मान लीजिए हमारे पास क्या है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन है

इसी तरह से आपके पास आई सेक्शन है मान लो सिमेट्रिकल आई सेक्शन तो यही एक्सिस के सीजी से पास हो रही है तो यही इलास्टिक यही प्लास्टिक यही इलास्टिक यही प्लास्टिक ठीक है नाउ सो वी कैन से फॉर सिमेट्रिकल सेक्शन इलास्टिक एंड प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस आर सेम बट फिर हमारे पास आ गया ट्राइंगल फिर आ गया हमारे पास ट्राइंगल

ठीक है जबकि जबकि यहां से एच अपॉन रूट टू पॉइंट सेवन एच वैल्यू पर ये जो ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ये दोनों बराबर मिलता है तो यहाँ पर दोनों क्या हो गए डिफरेंट हो गए मैं यही मुझे याद आ रहा था कि कुछ ऐसा एक सॉन्ग था दिमाग में गुंज तो रहा है मैं बोलने वाला था ठीक है <laughs> याद नहीं आ रहा था मुझे ठीक हाँ तो यही सुनने यही तो यही प्लास्टिक यही इलास्टिक हो गया लेकिन यहां पर ये थ्योरी नहीं लगेगी यहां पर इलास्टिक और न्यूट्रल एक्सिस दोनों अलग अलग होंगे क्योंकि तो ये एक्सिस के अबाउट क्या है सिमेट्रिकल नहीं ये कैसे मालूम चला ठीक है तो हमने क्या क्या वर्टेक्स से ये डेप्थ ले ली एच और ये वाला एरिया कितना हो गया ए बाई टू ये ऊपर वाला एरिया कितना हो गया ए बाई टू तो जो नीचे वाला एरिया है वो भी कितना हो गया ए बाई टू अब याद रखिएगा इक्वेशन बनाने के लिए कभी भी इस एरिया को इस एरिया के बराबर मत करना ये तो टेपेजॉइड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम करेंगे क्या कि ये जो एरिया है वो अगर इस एरिया के बराबर है तो पूरे एरिया का आधा भी तो है तो मैं क्या कह सकता हूं ए वन इज इक्वल्स टू टोटल एरिया का हाफ इसका टोटल एरिया कितना है ए तो ए वन को लिख सकता हूं ए बाई टू अब ये जो एरिया होगा वो कितना होगा हाफ इंटू बी इन एच जहां ये डिस्टेंस बी है और ये क्या है एच है अब इज इस टू इसका जो टोटल का एरिया होगा वो होगा इसका पूरे का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बी इंटू एच हाफ इंटू बी इंटू एच ठीक है एच तो को लिख दो एच अपॉन रूट टू तो यही मिल जाएगा क्या तो बी बराबर कैपिटल बी अपॉन रूट टू और एच बराबर कैपिटल एच अपॉन रूट टू ये हो गया सिंपल सरल तरीके से लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि ये वाला जो छुटकू ट्राइंगल है और ये जो बड़कू ट्राइंगल है दोनों के छोटे और बड़े ट्राइंगल में क्या कर दिए सिमिलर ट्रेंगल का ट्रेंगल्ट लगा दिए तो हाइट अपॉन हाइट इज टू बेस अपॉन बेस स्मॉल एच अपॉन कैपिटल एच बराबर स्मॉल फ्य। हाँ बी अपॉन कैपिटल बी तो मेरे पास दो इक्वेशन है एक इक्वेशन ये और एक इक्वेशन ये यहां से स्मॉल एच की वैल्यू निकाल के यहां पुट करो इक्वेशन मिल जाएगी बी एच बराबर बी एच अपॉन टू यहां से हमने वैल्यू पुट की B की चलो या तो यहां से B की वैल्यू निकाल यहाँ यहां से बी की वैल्यू मैंने निकाली बी एच अपॉन टू एच ठीक है और यहां से B की वैल्यू निकली एच बी अपॉन एच इन दोनों वैल्यूज को मैंने यहां पे क्या कर दिया बराबर कर दिया यहां से कैपिटल B से कैपिटल B खत्म हो गया ये वाला एच इधर गया ये वाला एच उधर गया हमें मिल गया एच स्क्र बराबर एच स्क्र अपन टू यहा स्मॉल एच आ गया कैपिटल एच अपन टू टू दैट इज पॉइंट सेवन जीरो ठीक है तो यहां से वो हमने क्या किया था प्रूफ किया था प्रूफ किया था ठीक है पानी पी लिया जाए तो ये आपसे पूछा जा सकता है प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस की डेप्थ कितनी होगी ट्राइंगल में एच अपॉन रूट टू या पॉइंट सेवन जीरो सेवन एच तो यहां पर प्लास्टिक और इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस जो है वो सेम नहीं है तो जो इलास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगी वो सी से पास करेगी जिसकी डेप्थ वर्टेक्स से कितनी होगी जीरो पॉइंट सिक्स सेवन एच या टू थर्ड ऑफ एच ठीक दूसरी तरफ जो हमारी प्लास्टिक न्यूट्रल एक्सिस होगी ठीक होगी एच अपन रूट टू पर यानी कि जीरो पॉइंट सेवन एच पर जीरो पॉइंट सेवन एच पर ठीक है तो इलास्टिक और प्लास्टिक अलग यहां तक समझ में आया जल्दी बताइए यहां तक समझ में आ गया सभी को ये प्रवांश ने बिल्कुल सही किया मैं हम इकाई हैं और आप सभी सुनने हैं ये आप सभी ने बिल्कुल सही कहा जो गुरु होता है ना गुरु वो इकाई है और आप सभी जो शिष्य है ना वो शून्य है गुरु के सामने आप सब क्या हो शून्य हो सब शून्य हो जीरो 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 आप एकदम जीरो ठीक है लेकिन अगर ये जीरो इस इकाई के आगे लग जाए ठीक है तो इकाई को सीधे कहाँ ले जा सकते हो दहाई पर और दहाई को कहाँ ले जा सकते हो सैकड़े पर और सैकड़े को कहाँ ले जा सकते हो हजार पर ठीक है बट ये वाला शून्य बनने के लिए क्या करना पड़ेगा सिलेक्शन लेना पड़ेगा ठीक है जैसे आप आज क्यू में वो नेहा जी हैं उनका एनबीसीसी में सिलेक्शन हुआ उनका राजस्थान जेई में सिलेक्शन हुआ है ना तो एक सिलेक्शन लेकर एक स्टूडेंट लाइव आता बताता सर हमारे यहाँ पर सिलेक्शन हो गया है ना तो उससे सौ स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है ठीक है क्या होता है कॉन्फिडेंस क्रिएट होता है कि भाई यहाँ से स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं तो इन सर से पढ़ा जाए आज हर कोई क्यों मे में लाख रुपया आई ए मास्टर में लाख रुपया देने को तैयार है क्यों उन्होंने सेलेक्शन दिए मेहनत किए ठीक है ठीके? ऑथेंटिक रिजल्ट दिया है ऑथेंटिक रिजल्ट दिया है उन्होंने और इस वजह से हम उन पर भरोसा करते हैं तो सेम चीज यहां पर जितने सेलेक्शंस होंगे उतना ज्यादा एजो फॉर टेक पर बच्चों का बाकी स्टूडेंट्स का भरोसा बढ़ेगा ठीक है चलिए खैर आगे बढ़े हाँ लास्ट में एक बार दोबारा से रिकैप कर देंगे अब क्वेश्चन के थ्रू तो हो गई <laughs> बस कोई विषय में दसमलव न चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इज प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी हमें फाइंड आउट करनी है अब देखो स्ट्रेस जेनरेट होने का मतलब क्या है स्ट्रेस होने का मतलब है है कि सेक्शन रजिस्ट कर रहा स्ट्रेस तभी जेनरेट होती है जब सेक्शन रजिस्ट करता है हम में से बहुत से लोग घबराए जाते हैं कि यार हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट हैं हम बहुत स्ट्रेस में हैं याद रखिए अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो इसका मतलब अभी आपके अंदर फाइटिंग कैपेसिटी है जिस दिन आप फाइट करना छोड़ दोगे आपके अंदर स्ट्रेस नहीं आएगी स्ट्रेस नहीं आएगी आप यू आर डेड समझ गए तो स्ट्रेस अगर आ रही है इसका आप, आप अभी फाइट कर रहे हैं आपने परिस्थिति के आगे अभी हथियार नहीं रखे हैं ठीक है तो स्ट्रेस इज ऑल्सो गुड साइन ठीक है तो स्ट्रेस अगर जेनरेट हो रही है मतलब सेक्शन अभी क्या कर रहा है रजिस्ट कर रहा है तो हम देखना चाहते हैं कि कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है ये कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है बिकॉज जितना ज्यादा ये मोमेंट रजिस्ट कर सकता है इसकी स्ट्रेंथ उतनी ही क्या होगी ज्यादा होगी और उसी वही हमारा क्या है प्रिंसिपल है डिजाइन का डिजाइन का प्रिंसिपल क्या होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को अप्लाइड मोमेंट के इक्वल रखकर हम डायमेंशन प्रोवाइड कर देते हैं यही आरसी में होता है वहां भी हम लोग पढ़ेंगे तो प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी का मतलब है कि यह कितना मोमेंट रजिस्ट कर सकता है इस स्टेज तक पहुंचने में ठीक है जो मोमेंट ऑफ रजिस्टेंस हमेशा होता है ये होता है आपके पास फोर्स इंटू लीवर आर क्या होता है मान लीजिए सेक्शन हमारे पास है तो यहां पर अगर अगर कंप्रेसिव फोर्स सी लग रहा है और यहां पर अगर टेंशन फोर्स टी लग रहा है और इनके बीच की डिस्टेंस अगर जेड है तो यहां से जो ठीक है तो ध्यान दो यहां पर जो हमने अप्लाइड मोमेंट लगाया वो क्या लगाया इस तरह से अप्लाइड मोमेंट हमने इस तरह से लगाया एम लेकिन जो इन दोनों की वजह से जो मोमेंट जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आएगा वो विपरीत आएगा ठीक है ये अप्लाइड मोमेंट है और यहां पर क्या है एमओ आर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस विपरीत दिशा में सही बात है ब्रजेश जी आपके साथ अभी थोड़ा टफ समय चल रहा है है ना लेकिन आप जानते हैं कि वो टफ समय क्यों चल लग रहा है क्योंकि आपके सामने जो परिस्थितियां हैं आप उनका डट के सामना कर रहे हो है ना आप डट कर सामना कर रहे हो कोई और होता तो शायद आपकी सिचुएशन में यार बहुत हो गया आप छोड़ो है ना वो चीज़ नहीं होनी चाहिए तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस क्या हो सकता है कोई सा एक फोर्स क्योंकि दोनों फोर्स बराबर है ये तो मैं मालूम है सीजिकल छुट्टी है ये कक्षा दस के कॉन्सेप्ट है यार क्लास टेंथ में हम लोग बल युग्म या कपल पढ़ते हैं बल आघूर्ण पढ़ते हैं उसमें क्या होता है कोई सा एक फोर्स और उन दोनों के बीच की डिस्टेंस दोनों फोर्स बराबर होता है तो हम इसके सी इंटू जेड भी लिख सकते हैं और इसको हम लोग टी इंटू जेड भी लिख सकते हैं है ना कुछ भी लिख सकते हैं तो वही हमने यहाँ लिख दिया तो मोमेंट ऑफ डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं टी इंटू जेड या सी इंटू जेड जहाँ पर टी टेंसाइल फोर्स और सी कंप्रेसिव फोर्स है सेम चीज सब आरसीसी में रिपीट होगा ये सब आरसीसी में भी रिपीट होगा वहां भी ऐसे ही पढ़ना होता है ठीक है अब देखो हमारे पास कोई सेक्शन है हमने कुछ भी रैंडम सा सेक्शन ले लिया तो इसमें जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा भाई क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेस कितनी है के बराबर और पूरे एरिया पर जो स्ट्रेस है वो कॉन्स्टेंट है तो कॉन्स्टेंट स्ट्रेस इंटू एरिया क्या दे देगा मुझे फोर्स दे देगा इसी तरीके से जो टेंसाइल फोर्स होगा वो क्या होगा यील्ड स्ट्रेस इंटू ए टू लेकिन ये तो हमें पता है ना ए वन भी ए बाई टू है और ए टू भी ए वन भी ए टू भी हो फोर्स इतना इंटू ए आ गया ठीक है अब ये जो कंप्रेशन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा याद रखना सेंट्रोइड पर डिस्ट्रीब्यूटेड फोर्स का रिजल्टेंट जो लगता है वो हमेशा कहां लगता है एरिया के सेंट्रोइड पर ठीक है तो ये जो कंप्रेशन फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा ऊपर वाले एरिया के सेंट्रोइड पर और जो टेंशन फोर्स लगेगा ये कहां लगेगा नीचे वाले एरिया के सेंट्रोइड पर तो ऊपर वाले के सेंट्रोइड की जो डिस्टेंस होगी वो y1 बार नीचे वाले की डिस्टेंस y2 बार तो बेटा लीवर आर्म क्या हो जाएगी इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जोड़ दो तो z y1 बार y2 बार z y1 बार y2 बार हो गया जहां बार और वाई टू बार क्या है सेंट्रोइडल ऑफ कंप्रेसिव एंड टेंसाइल एरिया ये सब हमने में सेंट्रॉइडल तो अब मैं अगर लिखता हूं प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो मैंने क्या कहा कंप्रेशन फोर्स या टेंसाइल फोर्स कोई सा एक फोर्स उठा लिया जिसकी वैल्यू कितनी है एफ वाई इंटू ए बाई टू और लीवर आर्म कितना है वाई वन वार प्लस वाई टू वार वाई वन वार प्लस वाई टू वार अब यहां से एम पी को मैंने क्या लिख दिया एफ वाई और ए वाई टू को क्या कर गया इस ब्रैकेट के अंदर ले गया ये क्या बन गया ए वाई टू इंटू वाई वन वार्ल वाई टू वार, वार। इसको मैंने दे दिया इक्वेशन नंबर वन का नाम इसको हमने क्या बोल दिया इक्वेशन नंबर वन अब एक बार बताओ इलास्टिक मोमेंट को हमने क्या लिखा था थोड़ी देर पहले सर एफ वाई इंटू जेडी एफ वाई इंटू जेडी जहां जेडी की वैल्यू क्या होती थी अपॉन वाई मैक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन वाई मैक्स क्या होता था इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस तो एक बार बताओ ये जो इक्वेशन नंबर टू है अगर मैं इक्वेशन नंबर वन को इस इक्वेशन से कंपेयर करूं तो ये भी मोमेंट है ये भी मोमेंट है ये यह स्ट्रेस है ये भी स्ट्रेस है तो अगर ये सेक्शन मॉड्यूलस है तो ये भी तो एक तरह का सेक्शन मॉड्यूलस होगा तो भाई अगर हमने इसको इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बोला तो हम इसको प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बोल देते हैं इसको क्या बोल देते हैं इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल बोल देते हैं ठीक है तो so, फॉर्मूले ही काम आएंगे डेरिवेशन तो मन की संतुष्टि के लिए मालूम कि कौन सी चीज कहा से आई है ठीक है तो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल हो गया जेडी बराबर आई अपॉन वाई मैक्स जबकि प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल हो गया जेड पी बराबर ए वन वाई वन प्लस ए टू वाई टू बार लेकिन ए वन और ए टू जो होते हैं वो टोटल एरिया का हाफ होता है इसलिए इसको लिख सकते हैं ए वाई टू वाई वन बार इन दोनों एरिया के क्या है सेंट्रोइडल डिस्टेंस है एक्सिस से ठीक है अब यहां पर हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं शेप फैक्टर

ठीक है यहां पर अभी हमने केवल जो फ्रंट लाइन थी उसको मोबिलाइज किया था यहां पर हमने अपनी फुल आर्मी को मोबिलाइज कर लिया ठीक है तो प्लास्टिक मोवमेंट अपॉन इलास्टिकेडपी और इलास्टिक होगा एफ वाई इंटू जेड ई इससे ये कैंसिल हो गया तो so, क्या बन गया जेडपी अपॉन जेडी यानी कि एम पी अपन एम ई लिखूं या जेड पी अपन जेड ई लिखूं बात एक ही है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं शेप फैक्टर तो शेप फैक्टर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी रिजर्व स्ट्रेंथ होगी, उतनी ज्यादा क्या होगी रिजर्व स्ट्रेंथ होगी। तो शेप फैक्टर ज्यादा होना अच्छी बात है या बुरी बात है शेप फैक्टर अगर ज्यादा है तो हमारा सेक्शन कैसा होगा बढ़िया होगा या बढ़िया नहीं होगा क्या कंक्लूड कर सकते हैं हम यहां से याद रखिएगा पहली बात तो यहां से जब मैं लिखता हूं तो एम पी इजिकल्स टू एम एस टाइम एम ई सबसे पहली बात तो ये जस्ट एक रेशो है और रेशो क्या होती है कि रिलेटिव टर्म होती है रेशो क्या होती है कि रिलेटिव टर्म है मैं इसके बेसिस पर दो सेक्शन को कंपेयर नहीं कर सकता क्यों तो क्योंकि हो सकता है एक पर्टिकुलर सेक्शन है उसका जो शेप फैक्टर अच्छा एक एक काम करते हैं आप ये तो समझ सकते हो कि जो एम ई है ये स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है तो एमपी जो है वो रिजर्व स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है रिजर्व स्ट्रेंथ या कहिए अनयूटिलाइज स्ट्रेंथ अब एक पर्सन है ठीक है तो हम क्या करेंगे ये अगर एक्स है तो x को हम लोग अगर s से मल्टीप्लाई कर दें तो मुझे क्या मिल जाएगा एस इंटू एक्स मिल जाएगा यही तो हो जाएगा अब सोचो एक आदमी के पास सौ रुपए है और उसका सेफ फैक्टर वन पॉइंट फाइव है तो उसका रिजर्व कितना हो गया एक तरीके से वन फिफ्टी अभी वन फिफ्टी टोटल है इस टोटल में सौ तो यही है और पचास अलग से है एक दूसरा व्यक्ति है उसके बाद दो सौ रुपए थे लेकिन उसका शेप फैक्टर वन पॉइंट टू है अब क्या होगा टू फोर्टी इसलिए याद रखिएगा और ये ये एम ई किस पर डिपेंड करेगा ये एम ई डिपेंड करेगा सेक्शन मॉड्यूल पर जो किस पर डिपेंड करेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर इसी वजह से रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर ज्यादा है 1.5। आई सेक्शन का शेप फैक्टर कम है बट फिर भी हम लोग बीम में रेक्टेंगुलर सेक्शन ना यूज करके आई सेक्शन यूज करते हैं ठीक है अभी इसको आप आगे और समझोगे रेक्टेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर ज्यादा है बट स्टिल यूज आई सेक्शन एज बीम जबकि आई सेक्शन का जो शेप फैक्टर है वो वन के आसपास होता है उसकी वजह यह है क्योंकि उसका जेड ऑलरेडी क्या होता है फॉर सेम एरिया फॉर सेम वेट आई सेक्शन का जेड बहुत ज्यादा होता है क्योंकि ज्यादातर मास जो होता है वो एक्सिस से दूर होता है ठीक है तो रिजर्व स्ट्रेंथ कम होते हुए भी वो ज्यादा स्ट्रांग है वो ज्यादा स्ट्रांग है ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है तो इसने शेप फैक्टर से आप एकदम से कंपेयर नहीं कर सकते और अभी आप और अभी आगे सीख जाओगे इसको ठीक चले अब यहां पर ध्यान दीजिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं इलास्टिक मोमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं इसी तरह से जिस तरीके से हमने प्लास्टिक मोमेंट निकाला उसी तरीके से हम लोग इलास्टिक मोमेंट निकालना चाह रहे हैं तो देखो इलास्टिक मोमेंट के टाइम पर क्या होता है जो स्ट्रेस का वेरिएशन है वो लीनियर होता है स्ट्रेस का वेरिएशन क्या होता है लीनियर होता है जो एक्सट्रीम फाइबर है केवल यहां पर स्ट्रेस एफ होती है और बाकी अंदर स्ट्रेस क्या होती है एफ वाई से कम होती है तो बेटा यहां पर कंप्रेशन फोर्स कितना होगा एक रेक्टेंगुलर सेक्शन अगर मेरे पास है तो जो कंप्रेशन फोर्स होगा वो कितना होगा हाफ इंटू एफ बाई इंटू डी बाई टू ठीक है ये भी हम लोग आरसीसी में पढ़ेंगे स्ट्रेस डायग्राम से या प्रेशर डायग्राम से फोर्स निकालने का तरीका होता है स्ट्रेस डायग्राम का एरिया निकाल लो या प्रेशर डायग्राम का एरिया निकाल दो और उसको विड्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका जो एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट और इंटू सेक्शन की विथ बी इसी तरीके से टेंसाइल फोर्स निकालने का तरीका क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस एफ वाई इंटू डी वाई टू बी दोनों बराबर ही आएंगे तो हाफ इंटू हाफ वन बाई फोर हो गया ये एफ वाई हो गया और ये क्या हो गया बी इंटू डी बी टी जाएगा बी डी टें फोर्स अब इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो z हमने लिया तो लिए मल्टीप्लाई करेंगे z से मोमेंट के लिए, की की लिए तो इलास्टिक मोमेंट क्या हो जाएगा फोर्स इन दोनों के बीच की डिस्टेंस तो ये आपका इलास्टिक मोमेंट आ गया ये क्या आ गया इलास्टिक मोमेंट हाँ अभी मैं करवाऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा डोंट वरी आज क्वेश्चंस करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे हम लोग अब देखो हमने हमारे पास क्या एक सिंपली सपोर्टेड बीम है इस पर मैंने कुछ पॉइंट लोड पी लगाया तो इसके अंदर जो मोमेंट जनरेट होगा वो कितना होगा पीएल बाई फोर होगा जो मोमेंट जेनरेट होगा वो कितना होगा पीएल बाई फोर जनरेट होगा है ना जबकि इसका इलास्टिक मोमेंट कितना है इतना तो ये जो पी एल वाई फोर है जब ये इस एम ई के बराबर हो जाएगा तब स्ट्रेस के इक्वल पहुंचेगी समझ गए तो ये 4, जब ME के के बराबर बराबर होगा तब एक्सट्रीम फाइबर में स्ट्रेस स्ट्रेस यील्ड पहुंचेगी अगर ये पीएल वाई फोर इस वैल्यू से कम रहता है तो यहां पर स्ट्रेस जो एफ वाई से कम होगी लेकिन अगर इस पीएल वाई फोर की वैल्यू एम ई से, से ज्यादा हो जाएगी उस केस में फिर अंदर वाले फाइबर में भी स्ट्रेस क्या होगी बढ़ने लगेगी बढ़ने लगेगी ठीक है बढ़ने लगे अब आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग तो हमारे पास इलास्टिक मोमेंट क्या आ गया वन बाई फोर एफ बाई वी डी इन दिस जेड लीवर आर्म अब लीवर आर्म की वैल्यू क्या होगी तो भाई मुझे मालूम है यहां से कितने पर होगा ये ये वन मान लो अगर ये डिस्टेंस में वाई मान लो तो ये टोटल डिस्टेंस मान लो मैंने वाई मान ली तो ये यहां से कितने पर होगा वाई अपॉन थ्री पर और यहां से भी कितना होगा वाई अपॉन थ्री पर ठीक है तो यहां से ये जो डिस्टेंस होने वाली है ये वाली डिस्टेंस ये डिस्टेंस क्या टू थर्ड ऑफ डी वाई टू होगी बताइए ये डिस्टेंस कितनी है ऊपर वाली हाइट ये हाइट है डी वाई टू तो ये कितना होगा डी वाई टू का टू थर्ड और ये भी कितना होगा डीवाई टू का टू थर्ड ठीक है तो ये डिस्टेंस कितनी होगी टू थर्ड ऑफ डी वाई टू और नीचे वाली भी डिस्टेंस उतनी है तो उसको टू से मल्टीप्लाई कर दिया तो टू से टू ये कैंसिल हो गया ये कितना बच गया डी अपॉन सिक्स ये क्या हो गया डी अपॉन सिक्स ऐसा ये सॉरी ये दो दुनी चार ये काट दो इस वाले दो से इस वाले दो से ये चार काट दो तो थ्री इंटू टू सिक्स है ना मैंने काटने में गड़बड़ कर दी थी दो दुनी चार से ये चार काट दो तो तीन दुनी तो इलास्टिक मोमेंट कितना आ गया इलास्टिक मोमेंट कितना आ गया वन अपॉइंट सिक्स एफ वाई और बी इंटू डी को इस बी डी को हमने क्या लिख दिया एरिया वन अपॉन सिक्स एम वाई ए इंटू डी ये भी आपसे एग्जाम में डायरेक्टली कहीं पूछा जा सकता है डायग्राम से से एंड क्रॉस सेक्शन लीवर आर्म डिफरेंट है क्यों बालक हाँ तो जो फोर्स लगता है ये किसका ये इलास्टिक वाले का याद रखिएगा ये इलास्टिक वाले का है ये इलास्टिक मोमेंट हम लोग निकाल रहे हैं देखो इसको ऐसे समझो जब हमारे पास एक सिंपली सपोर्टेड बीम होती है और इस पर जब यूडीएल लगा होता है जब इस पर यूडीएल लगा होता है तो जो नेट लोड होता है उसको हम लोग कहां मान लेते हैं बीम के सेंटर पर डब्ल्यू एल तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि जो लोड लग रहा है वो बीम के सेंटर पर लग रहा है लेकिन ऐसा नहीं होता क्यों क्योंकि अगर यही लोड यूबीएल होता यही लोड अगर यूबीएल हो जाता तो जो रिजल्टेंट लोड है वो बीम के सेंटर पर नहीं लगता मिड में नहीं यहां नहीं लगता ये कहां लगता लोड डायग्राम के सेंटर पर कहां लगता लोड डायग्राम के सेंटर पर इधर से एल बाई थ्री पर और इधर से टू एल बाई थ्री पर तो जब कभी भी स्ट्रेस वेरिएबल होती है या लोड वेरिएबल होता है तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा लोड डायग्राम या स्ट्रेस डायग्राम के सेंट्रोइड पर लगता है ना कि स्ट्रक्चर के सेंटर पर तो क्योंकि यहां पर क्योंकि यहां पर स्ट्रेस जो है वो वेरिएबल है इसलिए ये जो कंप्रेसिव फोर्स लगेगा वो यहां डीवाई डीवाई फोर पर ना लगकर यहां लगेगा क्योंकि ये स्ट्रेस डायग्राम के सेंटर पर लगेगा लेकिन प्लास्टिक वाले में क्या होता है कि पूरे एरिया में स्ट्रेस क्या है कॉन्स्टेंट है तो स्ट्रेस डायग्राम का सेंटर कह लो या एरिया का सेंटर कह लो बात क्या हो गई एक हो गई ठीक है मतलब वो ये वाला केस बन गया तो प्लास्टिक वाले में ये वाला केस बन रहा है जबकि इलास्टिक वाले में ये वाला केस बन रहा है तो आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी एक्चुअल में ये जो लोड होता है यूडीएल वो बेसिकली ऐसा होता है रेक्टेंगुलर लोड उसको हम जल्दीबाजी में वैसा दिखा देते हैं एक्चुअल में ये रेक्टेंगुलर लोडिंग होती है इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर लोड ठीक है तो ये रेक्टेंगुलर लोड का जो सेंटर होगा वो भी यही होगा और बीम का सेंटर भी यही हो गया डन तो ये इलास्टिक वाला हो गया तो ये फॉर्मूला आप पढ़ सकते हो कभी पूछा जाए तो अब हम निकालना चाहते हैं प्लास्टिक मोमेंट तो प्लास्टिक मोमेंट तो हमने ऑलरेडी निकाल रखे एमपी बराबर सी इंटू जेड या टी इंटू जेड ठीक है तो कंप्रेशन या टेंसाइल फोर्स कितना होगा स्ट्रेस एरिया जबकि लीवर आर्म कितनी होगी अब ये लगेगा सेंटर पर देखो ये लगेगा यहां से डीवाई फोर पर यू? क्यों क्योंकि स्ट्रेस यूनिफॉर्म है तो ये ऊपर के सेंटर पर नीचे ये डिस्टेंस कितनी रहेगी डीवाई फोर कितना 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 हो जाएगा तो तो पर MP कितना आ गया वन बाई फोर, बाई तो अगर मैं MP निकालता हूं, MP निकालता हूं, ठीक है भाई तो ये सब क्या हो गया खत्म सॉल्व किया तो क्या आ गया थ्री बाई टू एक तरीका ये भी है और दूसरा तरीका ठीक है तो ये बिल्कुल बेसिक से हो गया लेकिन हम बार बार ऐसे नहीं करेंगे यहां पर केवल ऑब्जेक्टिव के लिए बता दिया कि कभी आपसे रेक्टेंगुलर सेक्शन का इलास्टिक मोमेंट और प्लास्टिक मोमेंट बनाए तो आप ऐसे करके बता सकते हैं हालांकि हम सेक्शन मॉडल उसकी हेल्प से भी कर देंगे फटाफट बट आगे देखिए अब एक करके हम लोग जल्दी से बाकी सारे सेक्शंस की बात कर लेते हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे एक रेक्टेंगुलर सेक्शन लेके चलेंगे रेक्टेंगुलर सेक्शन की जो विथ होगी वो बी होगी डेप्थ जो होगी वो डी होगी इसका इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल आपको मालूम होता है आई अपॉन वाई मैक्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है लेकिन जो प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल होगा वो क्या होगा ए वन वाई वन वार्ल ए टू वाई टू आर या ए बाई टू ये आधा एरिया ले, ले लेंगे ए बाई टू इन टू ब्रेकेट के अंदर वाई वन वार प्लस वाई टू वार अब ये टोटल एरिया कितना है बी इंटू डी तो उसका आधा एरिया क्या हो जाएगा बी डी बाई टू आधा एरिया क्या हो जाएगा बी डी बाई टू अच्छा ऊपर वाले एरिया का Y1 बार कितने पर होगा डी वाई फोर पर तो बेटा डीवाई फोर प्लस डीवाई फोर क्या हो जाएगा डी बाई टू हो जाएगा तो बी डी वाई टू इंटू डी वाई टू क्या बी डी स्क्वायर बाई फोर इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बी डी स्क्स प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूलस बी डी स्क् ठीक ठीक है है शेप फैक्टर सॉल्व करेंगे दैट दैट इज इज अब जो कुछ हमने अभी तक पढ़ा उसकी समरी देखो प्लास्टिक एनालिसिस में कंप्रेशन एरिया टेंशन एरिया के बराबर होगा प्लास्टिक सेक्शन मॉड्यूल ए वाई टू वाई वन वार्ल वाई टू वार के बराबर होगा इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल्स आई अपॉन वाई मैक्स के बराबर होगा शेप फैक्टर एम पी अपॉन एम ई जेड पी अपॉन जेड ई के बराबर होगा शेप फैक्टर आपकी क्या बताता है रिजर्व स्ट्रेंथ बताता है ठीक है अब यहां पर कुछ और टर्म्स है बाकी सारे की बताएंगे डोंट वरी सोचेगा कि सर रेक्टेंगुलर का बताकर बाकी नहीं बता रहे वो भी बताएंगे एक टर्म आपने देखा होगा लोड फैक्टर का सवाल बहुत बार आया है स्टील में हमने करवाया भी है है ना कि अलावेबल स्टेस को इतने परसेंट से बढ़ा दिया तो लोड फैक्टर कितना हो जाएगा तो बेटा लोड फैक्टर जो होता है ये होता है अल्टीमेट लोड अपॉन वर्किंग लोड अल्टीमेट लोड मतलब कितना लोड लगा सकते हैं और वर्किंग लोड मतलब कितना लोड लगाया जा रहा है तो जो अल्टीमेट लोड है मैं बोल सकता हूँ प्लास्टिक मोमेंट प्लास्टिक मोमेंट तक लगा सकते हैं लेकिन अभी हमने कितना लगा रखा है उसका हम बोलेंगे सेफ मोमेंट या वर्किंग मोमेंट या आपका लोड फैक्टर हो गया ठीक है लोड फैक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ जो प्लास्टिक मोमेंट होगा वो कितना होगा एफ बाई इंटू जेड पी ठीक है और इसको हमने क्या लिख दिया नीचे

लोड फैक्टर नया लोड फैक्टर इज टू फैक्टर फैक्टर ऑफ सेफ्टी इनटू शेप अपॉन एक्स इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ठीक है चलिए एक टर्म कई बार आपसे पूछ लेते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप सेफ्टी का कितना मार्जिन लेकर चल रहे हैं ठीक मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो होता है वो होता है अल्टीमेट स्ट्रेस या अल्टीमेट मोमेंट अपॉन वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग मोमेंट माइनस वन ठीक है तो ये आपका क्या हो गया अल्टीमेट स्ट्रेस अपन वर्किंग स्ट्रेस या आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी हो गया तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी माइनस वन जो है वो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी हो गया ठीक तो है तो मान लो अगर आप फैक्टर ऑफ सेफ्टी 1.5 लेकर चल रहे हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी 0.5 हो गया यानी कि आप फिफ्टी परसेंट की रेंज लेकर चल रहे हो सेफ्टी की ठीक है चलो अब इसके आगे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो है आपका प्लास्टिक हिंज का बट उसके पहले थोड़ा से अभी कुछ एरियाज़ और बाकी रह गए हैं उनके यहाँ के मैं ठीक है चले तो जिस तरीके से हम लोगों ने रेक्टेंगुलर सेक्शन का आपको सॉल्व करके बताया शेप फैक्टर रेक्टेंगुलर का हमने निकाला था 1.5 उसी तरीके से हम लोग बाकी सेक्शन के भी फाइंड आउट कर सकते हैं बट अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर जैसे ट्रेंगुलर सेक्शन के लिए अगर इसका वर्टेक्स अपवर्ड है तो सेफ फैक्टर होता है टू और अगर वर्टेक्स इसका हॉरिजॉन्टल है वर्टेक्स हॉरिजॉन्टल मतलब इस तरह का इस तरह से देन टू पॉइंट जीरो टू पॉइंट जीरो सॉलिड सर्कुलर सेक्शन है तो इसका सेफ फैक्टर होता है वन पॉइंट सेवन अगर होलो सर्कुलर सेक्शन है ठीक है जहां पर के जो है के इज द रेशियो ऑफ इनर डायमीटर टू आउटर डायामी तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी मतलब इसकी वैल्यू एक से कम होगी देन इन दैट केस ये फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा क्यूब अपॉन वन माइनस के की पावर फोर अगर हमारे पास एक थिन सर्क्यूलर रिंग है सॉलिड तो वन पॉइंट टू सेवन ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है डायमंड का आपके पास टू पॉइंट जीरो जीरो थिन हॉलो रोम्बस का वन पॉइंट फाइव तो अभी तक ट्राइंगल का सबसे ज्यादा है सेकेंड नंबर पर आपका डायमंड है आई सेक्शन का अबाउट स्ट्रॉन्ग एक्सिस पॉइंट वन टू होता है, वीक के के हो है उसके अबाउट और टी सेक्शन का जो होता है, वो से के होता है तो ये वैल्यूज आपको याद ही रखनी है ठीक है अब जैसे पहला क्वेश्चन है आपके पास इन दी प्लास्टिक एनालिसिस विच ऑफ करेक्टली मैच इनमें से कौन करेक्टली मैच है ये आपने बताना है इनमें से कौन करेक्टली मैच है ये आपने बताना है तो क्या पहला करेक्टली मैस्ड है पहला आपका गलत हो गया रेक्टेंगल जो है वो टू पॉइंट जीरो गलत है राउंड का भी हमने देखा कितना वन पॉइंट सेवन स्क्वायर का कितना होगा स्क्वायर का कितना होगा तो याद रखिएगा स्क्वायर भी रेक्टेंगल का ही एक पार्ट है तो उसका भी 1.5 1.5 होता है ही है स्क्वायर का तो ये भी आपका गलत हो गया तो ओनली टू केवल राउंड का सही है डायमंड सेक्शन बेटा ये होता है सोम में बताया आपको डायमंड सेक्शन जब स्क्वायर को इस तरीके से रख देते हैं कि इसका डायगोनल हॉरिजेंटल हो जाता है तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं डायमंड सेक्शन डायमंड सेक्शन ठीक है प्लास्टिक हिंज अभी आपको बताया नहीं है चलो कल बताएंगे द शेप फैक्टर ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन रेक्टेंगुलर सेक्शन का जो शेप फैक्टर होगा वो 1.5 होगा 3 बाई टू फॉलोइंग सेक्शन विल फैक्टर सबसे ज्यादा तो रेक्टेंगल का 1.5 हमने पढ़ा था सॉलिड सर्कुलर का लगभग और डायमंड सेक्शन का हमने कितना पढ़ा था टू डायमंड सेक्शन का हमने कितना पढ़ा था टू तो आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा डायमंड सेक्शन ठीक है तो ये वन पॉइंट इतना इसका वन इसका या आई सेक्शन इस तरीके से रखा गया एच की फॉर्म में तो वन पॉइंट फाइव फाइव सर वन पॉइंट सेवन इसका डायमंड का टू और टाइंगल का वन पॉइंट थ्री फोर ठीक है सारी शेप आपके सामने आ गई दिस सेक्शन मॉड्यूलस एंड द प्लास्टिक मॉड्यूलस ऑफ अ सेक्शन आर जेड एंड एस शेप फैक्टर अब यहां पर जबरदस्ती कंफ्यूज करने की कोशिश की गई है तो जब आपके पास जो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल है वो जेड है और जो ZP है उसको इन्होंने किससे रिप्रेजेंट किया एस से रिप्रेजेंट किया ठीक है एस से रिप्रेजेंट किया तो हमें मालूम है कि जो शेप फैक्टर होता है जो सेप फैक्टर होता है वो होता है जेड पी अपन जेड जेड पी को लिखा है एस तो एस अपॉन जेड तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा अगला सवाल सेप फैक्टर इज गिवन बाय एम बाई अपॉन एम पी Z अपॉन जेड पी जल्दाजी में गलती कर देते हैं हम यहाँ पर बोध पर टिक मतलब नन ऑफ दिस उल्टा लिख रखा है एम पी अपॉन एम बाई जेड पी अपॉन जेड होता है उल्टा लिख रखा है यहाँ पर ठीक है इन प्लास्टिक एनालिसिस द शेप फैक्टर फॉर अ ट्रेंगुलर सेक्शन ट्रेंगुलर सेक्शन का शेप फैक्टर कितना होगा टू पॉइंट थ्री फोर टू पॉइंट थ्री फोर शेप फैक्टर फॉर अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन ऑफ डायमीटर डी इज इक्वल टू डायमीटर डी इज इक्वल टू ठीक है अब इसका 1.7 पॉइंट सेवन पर तो देख लो कौन सी वैल्यू लगभग लग सेवन लग के आसपास आएगी या तो वैसे निकाल सकते नहीं तो आप इसे क्या करेंगे डेराइव करेंगे तो हमें इसका जो इलास्टिक सेक्शन मॉड्यूल मालूम है ये कितना होता है आपके पास पाई बाई सिक्सटी फोर डी की पावर फोर मोमेंट ऑफ इनर्जिया और वाई मैक्स कितना हो जाएगा डी बाई टू तो ये हमारे पास कितना होता है पाई बाई थर्टी टू डी की पावर थ्री ठीक है अब एक सर्किल हमारे पास है इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो इसका जो सेंट्रॉइड होता है ये डिस्टेंस होती है फोर आर अपॉन थ्री पाई फोर आर अपॉन थ्री पाई पी होगा इसे क्या लिख सकते हैं टू टाइम्स फोर आर अपॉन थ्री पाई ऐसा लिख सकते हैं क्या अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो जेड पी को क्या लिख सकता हूं हाफ ऑफ पाई वाई फोर डी स्क्वायर अब तो इस टू को और इस आर को अगर मैं कंबाइन कर दूं तो डी लिख सकता हूं क्या तो मैं इसे लिख सकता हूं फोर डी अपॉन थ्री पाई फोर डी अपॉन थ्री पाई तो बेटा ये फोर से फोर कैंसिल कर दो पाई से पाई कैंसिल कर दो तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा डी क्यू अपॉन सिक्स जेड पी बन जाएगा आपके पास डी क्यूब अपॉन सिक्स अब मुझे अगर शेप फैक्टर निकालना है अब अगर मुझे शेप फैक्टर निकालना है तो मैं क्या निकाल सकता हूँ? जेड पी अपॉन जेडी देट इज डी क्यूब अपॉन सिक्स अपॉन पाई बाई थर्टी टू डी क्यूब तो डी क्यूब से डी क्यूब कैंसिल हो जाएगा ये हो जाएगा बत्तीस बटे सिक्स पाई और मैं इसे काट अगर दो से तो सोलह बटे तीन सिक्सटीन अपॉन थ्री पाई शुड बी दी आंसर आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा आंसर ए हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस एट प्लास्टिक मोमेंट कंडीशन ऑफ अ क्रॉस सेक्शन इन गिवन फिगर हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज इन टेंशन एंड कंप्रेशन सो न्यूट्रल एक्सिस डिस्टेंस डी वन एट प्लास्टिक मोमेंट ये डिस्टेंस आपसे पूछिए प्लास्टिक कंडीशन पर तो देखो वर्टेक्स डाउनवर्ड हो या वर्टेक्स अपवर्ड हो उससे फर्क नहीं पड़ता वर्टेक्स होता तो फर्क पड़ जाता है ठीक है तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी निकल कर आई थी आपका रिपीटेड हो गया द सेफ फैक्टर फॉर अ सॉलिड सर्कुलर सेक्शन आगे से याद रखेंगे सिक्सटीन अपॉन थ्री पाई

नहीं हो सकता प्लास्टिक एनालिसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज एप्लीकेबल टू दी स्ट्रक्चर मेड ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग। डक्टाइल एंड बेटल मेटीरियल Any metal, metal only, only. याद जो डिफॉर्मेशन के के हो सकता है, है के के अंदर प्लास्टिक एनालिसिस हाँ, लगा सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द करेक्ट रेशियो ऑफ प्लास्टिक मूवमेंट टू ईल्ड मोवमेंट इलास्टिक मोवमेंट को इन्होंने सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ यूनिफॉर्म स्क्वायर क्रॉस सेक्शन थ्रू आउट दिस पेन यूनिफॉर्म स्क्वायर क्रॉस सेक्शन के लिए एम पी अपॉन एम ई की वैल्यू आपसे पूछी है तो आपको मालूम है जो स्क्वायर सेक्शन होता है वो भी कहे रेक्टेंगल की सब कैटेगरी है तो आंसर क्या होगा वन पॉइंट फाइव क्या होगा वन पॉइंट फाइव ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द प्लास्टिक मोडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विथ 200 एंड डेप्थ 400. बी दिया है 200, डेप्थ दिया है 400. ZP हमने पढ़ा था भी b d square by 4. तो so, 200 गुना 400 की घात 2 और बटा 4. तो so, 2 गुना 4 गुना 4 गुना 10 की घात 6 और बटे 4, 4. आठ गुणा दस की घाट छ मिलीमीटर की पावर थ्री आंसर हो जाएगा सी हां यार आलोक ये बात तुमने सही बोली उस क्वेश्चन पर दोबारा पुनर्विचार किया जाए बट फिर किसको चुनेंगे यहां पर सर्कुलर सेक्शन के लिए 1.7 ही रहेगी अब यहां पर दो चीजें कह सकते हैं हम इसको ठीक है एक तो हम बी को गलत अभी बी को गलत ठहरा सकते हैं बट यहां पर बेसिकली क्या है कि जो आई सेक्शन है जब हम लोग इसको एज ए बीम यूज करेंगे तो हम लोग हमेशा मेजर एक्सिस के अबाउट इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं ठीक है और बी ऑप्शन को हम ऐसे कह सकते हैं कि क्लोज टू यूनिटी होने का मतलब पॉइंट नाइन नाइन भी क्लोज टू यूनिटी होता है और वन पॉइंट वन भी क्लोज टू यूनिटी होता है तो क्लोज टू यूनिटी होने का मतलब ठीक है क्लोज टू to... <laughs> ठीक है भाई यार भिड़ाने को तो भिड़ा दें ठीक है भिड़ाने को बढ़ा भिड़ा दें लेकिन आ, सही बताएं तो आंसर जो है वो डी की तरफ ही ज्यादा जाएगा इसका उसकी वजह क्योंकि जब हम लोग आई सेक्शन की बात करते हैं ना उसमें भी देखो मैं बताता हूं आपको जब उस तरह से यूज करते हैं ना तो उसको आई सेक्शन ना बोलकर आप क्या बोलते हो जैसे एच एच सेक्शन जैसा बन जाता है तो, तो समाइम हम लोग एच सेक्शन बोलते हैं जैसे ना एच सेक्शन ठीक है तो ए, आई में और एच में क्या फर्क है एक ही चीज है जनरली आई सेक्शन से हमारा जो पर्पज होता है वो तभी होता है जब हम लोग स्ट्रॉन्ग तो, तो वो होता है ना जो एकदम बिल्कुल फर्स्ट टाइम जो स्ट्राइक करने वाली बात है ठीक है चलो इस पर सोच विचार करेंगे और लेकिन

तो समटाइम्स का मतलब वो ये कह रहा है कि जैसे एक आई सेक्शन मेरे पास ये है और एक आई सेक्शन मेरे पास ये तो समटाइम्स का मतलब होता है इनकी डायमेंशन जो है कुछ सम टाइम लोग कुछ आई सेक्शन का जो है जो सेफ फैक्टर रेक्टेंगल से ज्यादा हो जाएगा और कुछ का कम हो जाएगा मतलब डायमेंशन कम ज्यादा उस सेंस में वो समाइम्स यूज हो रहा है एक्सेस की बात नहीं हो रही है ठीक है एक्सेस की बात नहीं हो रही है वहां पर बाकी यहां पॉइंट अच्छा है इस पर विचार किया जा सकता है ठीक है इस पर विचार किया जा सकता है ना आप जैसे यही है सेफ फैक्टर फॉर एन आई सेक्शन इज आप क्वेश्चन में भी देखोगे जब कभी भी आपसे आई सेक्शन का याद रखना जितने भी एग्जाम आपके आप दोगे जितने भी क्वेश्चन देखोगे अगर सेफ फैक्टर फॉर एन आई सेक्शन पूछा है तो हमेशा याद रखना 1.1 के आसपास वाला ही होगा ऑलवेज सेफ फैक्टर फॉर एन आई सेक्शन हमेशा इतना होगा ठीक है जब तक एक्सेस आपको मेंशन ना कर रखी हो या एच सेक्शन ना बोलो ठीक है जितने भी क्वेश्चन देखेंगे उनमें जो सेफ फैक्टर होगा आई सेक्शन का वो आपका 1.1 के आसपास दिया होगा ठीक है तो आज का अंतिम क्वेश्चन था है ना अब देखो जैसे यहां पे भी देखो सेफ फैक्टर ऑफ डिफरेंट टाइप रेक्टेंगुलर का 1.5 सर्कुलर का इतना डायमंड का 2 आई सेक्शन का बिटवीन 1.12 से 1.15 टी सेक्शन का इतना अब यहां पर इन्होंने यह क्यों नहीं लिखा ठीक है फिर रेंज 1.12 से 1.15 ना देकर यहां पर रेंज क्या देनी चाहिए थी 1.12 पॉइंट वन टू 1.55 ये रेंज देनी चाहिए थी है ना ये रेंज होनी थी ये रेंज क्यों दी क्योंकि ये जो वैल्यू है वो एक स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है जिसको हम लोग यूज नहीं करते आई सेक्शन का मतलब ये होता है कि हम इसको इस तरह से रख रहे हैं ठीक है इस तरह से रख रहे हैं ये आई सेक्शन का मतलब है क्लियर होगी बात क्यों हम उस पर डी पे टिक लगा रहे हैं वहां पर ठीक है प्लास्टिक मोमेंट कैपेसिटी तो कल हम लोग क्या करेंगे थोड़ा सा कोलेप्स लोड की तरफ जाएंगे नींद आ रही है क्यू आर पी भी देखना है चलो ठीक है थोड़ा सा लंबा खींच गया सेशन आपका लेकिन यह कि कल अब खत्म हो जाएगा कल हाँ इतना ज्यादा नहीं लेकिन मेरे ख्याल से लास्ट वाले क्वेश्चन से ना इस वाले से आपको थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा क्यों दिमाग डी की तरफ जा रहा है वहां पर दिमाग डी को डी की तरफ क्यों जा रहा है वो इस वाले से भी आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जैसे आई सेक्शन दिखाए तो वन पॉइंट वन टू से वन पॉइंट ही क्यों रेंज यहां पर भी दे सकते थे। वो नहीं होगा वो एक एक सर्टेन केस में है जिसको हमें कंसिडर नहीं करना है ठीक है तो यहां से भी वाली बात समझ में आ सकती है आ, कल करवाएंगे प्लास्टिक एक्चुअली प्लास्टिक हिंज बताएंगे ना फिर क्वेश्चन कराएंगे ठीक है कल और क्वेश्चंस करेंगे ये मोहित श्रीवास्तव है भाई साहब ये चले गए मोहित श्रीवास्तव उपस्थित हो और ये अपने दूसरे वाले मोहित नहीं आया मोहित भी नहीं है आज वैभव भी नहीं है शायद फिटविट्स अपने ये मोहित भी नहीं है और मेरे ख्याल से वैभव भी नहीं है गोला मार दिया इन दोनों लोगों ने आज दोबारा भेज देना आलोक दोबारा भेज देना ठीक है यार दोबारा लेकिन अभी मत भेजना यार कल भेजना दो बजे के बाद में ठीक है दिन में दो बजे के बाद चलिए ठीक है